أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students of 10th class Assalamu alaikum and welcome to all of you I am Abdurrahman Sheikh Masl Girls High School Belgaum Dear students our today's English topic is once again unseen comprehension part 3 Here is a given passage which is totally unseen and there are some sentences having some blank spaces below the passage. We have to choose the answers which we have to fill up in the spaces from the given passage. Aziz tum aur talibat hamare paas ek bar phir aaj ka topic unseen comprehension hai aur ek bar phir ek given passage hai to is passage ko hame carefully padhna hai aur phir is passage ke niche कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं लेकिन वो सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं क्योंकि हर सेंटेंस के आगे एक खाली जगह है और हमें इस दिए गए पैसेज से उन खाली जगहों को पूरा करने के लिए आंसर्स चूज करने हैं वर्ड चूज करने हैं जो हमें इन ब्लैंक स्पेस में फिलअप करने हैं तो आप अपना ख्याल मार्कर बोर्ड की तरफ रखिए मैं पैसेज पढ़ता हूं ताकि आपको ब्लैंक स्पेसेस फिल अप करने में आसानी हो जाए फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड रिलेशनशिप ऑन द अर्थ फ्रेंडशिप जो है यानी दोस्ताना तो इस धरती पर ये एक अनमोल कहिए या लाजवाल कहिए एक रिश्ता है यानी फ्रेंडशिप दोस्ताना पोइट्स एंड प्रीस्ट्स हैव अलाइक संग प्रेजेस ऑफ इट मुख्तलिफ शायरों ने मुख्तलिफ पादरियों ने इस फ्रेंडशिप की हर वक्त दुआ मांगी है अपनी इबादत में या अपनी शायरी के जरिए इन शायरों ने अपनी शायरी में इसकी दुआ मांगी है इसकी तारीफ की है और पादरियों ने संतों ने अपनी इबादत में इसकी तारीफ की है और इसके लिए दुआएं मांगी हैं It gives to life not only charm. ये सिर्फ जिंदगी को खूबसूरती या मसरत या खुशी ही नहीं बख्शती है सॉरी बख्शता है बट ऑल्सो मीनिंग लेकिन ये दोस्ताना जो है फ्रेंडशिप जो है ये जिंदगी को एक हकीकी माने भी बख्शता है Friendship is a matter of mutual love, respect and reliability. दोस्ताना जो है ये एक mutual love, एक दूसरे की तई मोहब्बत हमदर्दी respect, इज्जत एहतराम and reliability. और एक दूसरे को समझने की एक ताकत बख्शती है ये फ्रेंडशिप लव अलोन कैन ब्रीड लव तो हम देखते हैं कि हमदर्दी या मोहब्बत एक ही तरफ
नहीं होती है बल्कि लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होती है। जब एक दिल में किसी दूसरे दिल के लिए हमदर्दी मोहब्बत पैदा होती है तो जाहिरी तौर दूसरे इंसान में भी हमदर्दी और ये मोहब्बत कुदरती पैदा हो सकती है। इन फैक्ट ए ट्रू फ्रेंड इज वन हु स्टैंड्स बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। तो दरहकीकत सच्चा दोस्त वही है जो हर उतार चढ़ाव में, गम और मुसीबत में हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर साथ देता है। He knows our strength as well as our weakness। तो हमारा दोस्त जो सच्चा दोस्त होगा, हकीकी दोस्त होगा, तो वो हमारी ताकत और हमारी कमजोरियों को अच्छी तरह से जांच लेता है। वो हमारी ताकत और हमारी कमजोरियों को, या हमारी सलाहियत या हमारी कमजोरियों को हमेशा अच्छी तरह से जानता है, वो इसे वाकिफ होता है। आवर पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज नेगेटिव वंस, हमारी मजबूत सोच भी वो जानता है, वो हमारी मजबूत सोच से भी वाकिफ होता है और हमारी मनफी सोच से भी वो वाकिफ होता है। ही इज फेयरलेस इन टेलिंग अस आवर फॉल्ट्स एंड क्वालिटीज, वो बेखौफ, यानी हमारा दोस्त, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के हमारी जो गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती हैं, वो पॉइंट आउट कर सकता है। एंड क्वालिटीज, और हमारी जो सलाहियतें, हम में जो उसको सलाहियतें दिखती है वो भी पॉइंट आउट कर सकता है। ही इज अनडिमांडिंग, अनकंप्लेनिंग एंड एवर हेल्पिंग, वो हमसे कोई डिमांड नहीं करता है और ना हमारी कोई शिकायत करता है। एंड एवर हेल्पिंग, हमेशा ये सोचता रहता है कि किस तरह से दोस्त अपने दोस्त की मदद करे, यानी हमेशा उसके दिल में हमारी मदद की, मदद के लिए फिक्र होती है। वन इज वेरी फॉर्चुनेट, तो वो शख्स बहुत ही खुशकिस्मत है इफ वन गेट्स ट्रू फ्रेंड्स इन लाइफ, कि अगर वो अपनी जिंदगी में सच्चे दोस्त पाए, या अगर उसको अपनी जिंदगी में हकीकी या सच्चा दोस्त मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा अनसीन पैसेज। अब हमारे लिए क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, वी हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस चूजन फ्रॉम द गिवन पैसेज। Number one, one of the most cherished relationship on the earth is, तो यहां हमने पढ़ लिया, friendship is one of the most cherished relationship on the earth, तो इसलिए यहां पे friendship, इसमें friendship हम लिख सकते हैं। दूसरा sentence, friendship is a matter of dash dash, तो यहां पे देखिए, friendship is a मैटर ऑफ म्यूचुअल लव, तो हमें यहां लिखना है म्यूचुअल लव। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, फ्रेंडशिप इज ए मैटर ऑफ म्यूचुअल लव। तीसरा सेंटेंस, इफ वन गेट्स ट्रू फ्रेंड वन इज डैश डैश, तो यहां पे देखिए, लव एलोन कैन breed love, in fact a true friend is one who stands by us through thick and thin, he knows our strength as well as our weakness, our positive points as well as negative ones, he is fearless in telling us our faults and qualities,
He is undemanding, uncomplaining, and ever helping. One is very fortunate. If one gets true friend, one is very fortunate. तो यहां पे लिखिए one is very fortunate. One, if one gets true friend, one is very fortunate. फिर D यानी ओरिक सेंटेंस poets and priests have alike sung dash dash. तो यहां पे देखिए poets and priests have alike sung praises of it. तो ये praises of it यहां पे फिल अप करना है praises of it. तो अजीज तुम्बार तालिबात, अब हमारे सेंटेंस जो कंप्लीट हुए, खाली जगह हमने पूर की, हमने फिल अप की, तो फिर एक बार मैं आपके सामने ये सेंटेंसेस दोहराऊंगा. वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड रिलेशनशिप ऑन द अर्थ इज फ्रेंडशिप. बी, फ्रेंडशिप इज ए मैटर ऑफ म्यूचुअल लव. सी, इफ वन गेट्स ट्रू फ्रेंड, वन इज वेरी फॉर्चुनेट. डी, poets and priests have alike sung praises of it. तो इसी के साथ हमारी आज इंग्लिश क्लास इख्तिताम को पहुंचती है. मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए. अल्लाह निगहबान. अस्सलाम अलैकुम.